है एंड एक टेक वन पेपर एंड जस्ट लिखिए हस्बैंड वाइफ अलग अलग लिखिए कि पत्नी लिखे कि अगर उस घर का अर्निंग मेंबर भगवान न करे किसी भी वजह से उनकी जॉब चली जाती है या कुछ भी हो जाता है सॉरी तो लाइफ विथ आफ्टर दैट सेकेंड दैट मोमेंट के बाद कैसी होगी। आप स्टार्ट करेंगे बड़ी चीजों से और जैसे जैसे ये फीलिंग आपके अंदर सिंक इन होगी ना आपके हाथ कांपने लगेंगे आप लिख नहीं पाएंगे ये इनसिक्योरिटी आपको घेर लेगी। बिलीव मी ये बहुत डराने वाली चीज है मैंने देखा है क्योंकि पापा वॉज वन ओनली अर्निंग मेंबर लाख लाइफस्टाइल था। मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी जाते थे ना रेड कार्पेट पे हमारा वेलकम होता था। कभी भी ट्रेन में मैंने सफर नहीं किया था मैं पापा के टाइम से ही वी वर ट्रैवलिंग इन फ्लाइट। हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। शादी भी हुई ऐसे व्यक्ति से जिसने कभी कंप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। कभी इस बात की कंप्लेन नहीं रही मुझे कि मुझे इस चीज की कमी है। शादी भी ऐसे घर में हुई मेरी तो मैं कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं जानती थी तब मैंने ये कहा था और तब ये डर मुझे सता रहा था। आप किस पोजीशन में हैं आप जाकर के घर पे सोचिए कि कल अगर अर्निंग जहां से आ रही अगर वो रुक जाए क्योंकि हम जमशेदपुर से हैं अभी टाटा मोटर्स जिसको जो टाटा स्टील के प्लांट्स हैं उसमें मैसिव तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है बिकॉज आदमी का जगह रोबो ले रहा है मशीन्स ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। एवरी डे 2700 लोगों को हटा दिया जा रहा है रातों रात। क्या कभी सोचा है आपने कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं करेंगे और ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ ना हो आपके दुश्मनों के साथ भी ना हो लेकिन अगर हो जाए तो कल का सूरज कहां से उगेगा। आप जो अपने बच्चों को एक सेकेंड एडजस्ट नहीं करते हैं मीटिंग फंक्शंस को अटेंड करने के लिए आपको क्या लगता है क्या इतने ही लोगों को प्रमोट किया गया था आज का बीबीएस? नो जो लोग नहीं आए हैं वो वैसे ही कैटेगरी के लोग हैं जो कल की जिनको चिंता नहीं है। गिव थाउजेंड्स ऑफ थैंक्स टू गॉड एंड गिव अ क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ कि आप आज हैं यहाँ पे एंड एटलीस्ट सीरियसली यू आर अटेंडिंग दिस फंक्शन। लोगों को इतना भी विजन नहीं होता है कि इस बिजनेस को लोग फॉरेन ट्रिप करने वाले और बड़े शोल्डर्स को शेक करके लोग बोलते हैं अरे